Between. मेरी स्क्रीन आप दोस्तों में दिखाई दे रही है? जी जी सर, परफेक्ट। अच्छा मैं ऐड अकाउंट थोड़ी देर में ओपन होता है, मैं आपको उससे कुछ कैंपेन सिखाता हूँ। पहले मुझे सर जल्दी से बताएं अपने बारे में कि आप लोग अभी किस किस लेक्चर पे हैं, हो ये बताएं कि आप में से कभी किसी ने फेसबुक पे एड रन कैंपेन रन की है? जी सर, नहीं सर, मैंने नहीं किया। ठीक है, मिस भाई अनिस भाई ने रन की है, वकार भाई आपने भी रन की है? जी सर, चलाई है काफी दफा। चलें, गुड हो गया। ओके अब ये भी मुझे साथ साथ चाहते हैं आप लोग अभी लेक्चर्स में कहाँ पे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या कौन से लेक्चर्स पे हैं। मैं तो स्टार्ट वाले में ही हूँ, फर्स्ट एक लेसन देख लिया, दूसरे वाले में हूँ। ठीक हो गया। और मिस भाई आप, मोनिस भाई आप? प्रोजेक्ट 2 तक सब सब कुछ देख लिया सर, लास्ट प्रोजेक्ट तक मैंने देखा था, उसके बाद एक लेक्चर और उसके ओके बाद ठीक है, तो। ठीक है, श्योर, परफेक्ट परफेक्ट। ओके तो मुझे जो आइडिया चाहिए था मिल गया, थैंक यू। अच्छा ये जब तक लोड होता है ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। हम लोगों ने पहले जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, उनके लिए ऐसे कुछ डेटा है, उस डेटा के ऊपर बातचीत करते हैं हम लोग मिलकर, ठीक है? इमेजिन करें कि हमारी कंपनी है, वो कंपनी रियल स्टेट ब्रोकरेज का काम करती है इजिप्ट के अंदर। अनीस भाई, रियल स्टेट ब्रोकरेज क्या होता है, मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? सर, प्रॉपर्टी के लिहाज से, प्रॉपर्टी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। के प्रॉपर्टी के हिसाब से जब आप एक चीज एक जगह से लेके आगे किसी को बेच रहे हो ना, तो आप उसे ब्रोकरेज कह रहे हो। तो एक कंपनी है जो रियल स्टेट ब्रोकरेज का काम कर रही है इजिप्ट के अंदर, वो जैसे हम यहाँ क्या पे कहती है प्रॉपर्टी लोगों डीलर। को? जी एग्जैक्टली। तो वो क्या कहते हैं कि वो घर और सही इन्वेस्टमेंट करने में लोगों की हेल्प को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उस कंपनी का नाम है जैपलेसर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। यहाँ तक हम तीनों दोस्तों समय में आ गई बात? ठीक जी सर, जी सर, अच्छा मिसबा वकार भाई, मैं मशवरा दूंगा अगर आप माइक अपने सब आप दोस्त ऑफ कर लें, और साथ साथ ना फीडबैक देते रहें कि ये बात समय में आ गई, ये बात समय में नहीं आई है। अनलेस कि आपके पीछे आवाज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे क्लास डिस्टर्ब हो गई, फिर आप चाहे बंद रहने दें, बट अगर आवाज नहीं है, आप साइलेंट रूम के अंदर हैं, तो इन्हें ऑन कर लें, ताकि हम ना आपस में डिस्कस कर सकें इन चीजों को। सही है सर। ठीक है, अच्छा आगे चलते। कस्टमर कैटेगरी की बात करते हैं, तीन किस्म के कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं, होम सीकर्स को, इन्वेस्टमेंट सीकर्स को, होम प्लस इन्वेस्टमेंट सीकर्स को। वकार भाई, होम सीकर्स कौन होते हैं? सर, जो घर वगैरह ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए, घर गुड। खरीदना चाहते हैं अनीस भाई, इन्वेस्टमेंट सीकर्स कौन होते हैं? सर, जिनके जी गुड हो गया पास वकार भाई। सर जो इन्वेस्टमेंट मतलब तलाश करे कि इन्वेस्टमेंट हम कर ले किसी प्रॉपर्टीज में, किसी रियल एस्टेट में। गुड गुड, ठीक हो गया। होम प्लस इन्वेस्टमेंट सीकर्स कौन होंगे? दोनों होंगे सर, जो दोनों काम करना चाहते हैं। गुड गुड। अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन देखते हैं इसकी। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? अनिस भाई, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है पहले तो आप ये बताएं ना, याद है आपको? सही सर। सर ये मतलब ये रियल एस्टेट किसके लिए, फॉर मतलब हु यू आर टॉकिंग टू, किसके लिए आप ये जो गुड, हमारे इसके लिहाज से कर रहे हो, वो मतलब ये कि कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं। सही है। गुड, आवर प्रोडक्ट कैटर लाइक सुपर मार्केट सर, इसका एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल। गुड, जी सर, सही हो गया। और गुड, ऑफर का ओके। मतलब तो इसकी आपके वैल्यू मतलब प्रोपोजिशन दे रहे यू ऑफर। है जी, एग्जैक्टली, थैंक यू। तो इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को शिमो हमने लिखी है कि इजिप्शियन को टारगेट कर रही है, जो कि दूसरे मुल्कों में रहते हैं हाई इनकम के साथ, वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, रियल स्टेट कंसल्टेशन सर्विस चाहिए उन्हें जो कि फ्री हो और हमारे कंपेटिटर की तरह ना हो। हम ऑफर क्या कर रहे हैं कि हम रियल स्टेट मार्केट एनालिसिस और रिसर्च ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए।
एम्पथी मैप भी हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कि बताता है कि वो हमारे कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसे जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं। साथ भाई, जी सर। साथ भाई ने अभी ज्वाइन किया। जी सर। आपकी परमिशन चाहिए होगी कोडिंग के लिए, तो आप काइंडली चैट में परमिशन दे दें। जी सर, कोई मसला नहीं। वकार भाई, थैंक यू। वकार भाई, जी जी सर, जल्दी से सर क्लास को एम्पथी मैप दिखा देंगे आप। एम्पथी मैप बेसिकली सर हम अपने जो कस्टमर है उनके उनकी माइंड रीड करते हैं कि या उनके शूज में खुद को डालकर हम उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या क्या देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे और क्या फील कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम इंपर्सोनेट करते हैं और फिर उस हवाले से लिखते हैं। लाइक से अगर मुझे घर लेना है तो मैं किस तरह सोच रहा हूँगा, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ पैसे जमा किए होंगे, या मैं ये सोच रहा हूँगा कि मैं मेरा घर छोटा है, मुझे बड़े घर में शिफ्ट होना है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इसके बाद अगर सीइंग में हम आ जाएंगे तो फिर मैं डिफरेंट ऑप्शंस देखूंगा, इंटरनेट पे सर्च करूंगा, बिलबोर्ड्स देखूंगा, डिफरेंट ऑफिसेस विजिट करूंगा, न्यूज पे सर्च करूंगा, तो इस तरह की चीजें। और वो बंदा क्या कर सकता है, वो तो या जॉब करेगा या कोई बिजनेस करेगा या इस तरह की उसकी एक्टिविटी होगी। और वो फील क्या करेगा कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कोई छत लूं अच्छी से अच्छी, या जो भी उसकी उस वक्त फीलिंग होगी वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा। गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड आंसर मुकाबिल, थैंक यू। अब इस तरह फिर सैंपल पर्सोना इतफ आता है। सैंपल पर्सोना क्या होता है मिस्वा भाई, बताएंगे जरा? टारगेट पर्सोना, सॉरी सैंपल पर्सोना कह रहा हूँ। जी सर, इसमें हम कस्टमर के जो नीड्स होते हैं उसके बैकग्राउंड, यानी वो कस्टमर कौन है, क्या करते हैं, एज क्या है उसकी, और इसके अलावा वो क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं और उसके गोल्स क्या हैं, और इसके अलावा ये टारगेट पर्सोना से क्लास को पढ़ाएंगे क्या इधर लिखा हुआ है, हाँ बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक्स में, यानी वो जो कस्टमर है उसका नाम है अलीकर रिये, एक हमारा कस्टमर है, उसकी एज 35 ईयर है, मिसर, और वो एक एक उसका एक बच्चा है, और इसके अलावा वो एज ए सिविल इंजीनियर काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, और उसके पास जो रकम है वो $4,500 वो पर मंथ जो है ना वो सेव कर सकते हैं इस तरह। शाबाश, उसकी जो गोल क्या चाहता है क्या वो लाइफ में, गोल यानी अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहता है, और इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उसके पास एक अच्छा इनकम हो एज अपने, उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि यानी मेरे पास बिल्कुल पैसों वगैरह का कोई टेंशन वगैरह ना हो इतना। गुड, अच्छा मसले क्या आ रहे हैं, बैरियर क्या आ रहे हैं? डिस्टेंस का मसला है उसके साथ, इसके अलावा टाइम का मसला है, और इसके अलावा द लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये मसला है। गुड, ये आखिर वाला मसला समझा भी दें, ये क्या कह रहा है लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? द लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी वो जो डिसीजन ले रहा है उसमें मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा लगता है। गुड, हो गया, वेरी गुड आंसर मिस्टर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके नाउ, अब हमने बेसिक समझ लिए हैं कि हमारा काम क्या है, हमारे कस्टमर क्या सोच रहे हैं, वो कस्टमर है क्या, क्या कहते हैं। अब जो उसके लिए ऐसी एक कैंपेन के बारे में सोचते हैं हम, ठीक है। अब कैंपेन के अंदर ना कुछ चीजें होनी चाहिए, वो चीजें जो उसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने में हेल्प करें। अब उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात है प्रॉब्लम रिकग्निशन या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आपको जो कस्टमर को मसला आ रहा है, जो उसके पेन पॉइंट है, अगर आप उन पेन पॉइंट्स को टैकल करते हैं,
उस अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई करके उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालती हैं, तो आप अपनी चीज में कामयाब हो सकते हैं। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सबने यही काम किया, उन्होंने एक मसला ढूंढा, पेन पॉइंट ढूंढा, उस पेन पॉइंट को उन्होंने हल किया, उस हल करने की वजह से वो वायरल हो गए। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग इज इंफॉर्मेशन रिसर्च। आपके पास इंफॉर्मेशन की मैंने रिसर्च की अच्छी क्वालिटी होगी तो आप ज्यादा अच्छे ऑपरेशन बना सकते हैं, ज्यादा अच्छे सर्विसेज दे सकते हैं। थर्ड थिंग इज एवेल्यूशन फॉर ऑल्टरनेटिव। अपने ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना कि वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनसे कैसे बेहतर हो सकते हो। परचेज डिसीजन पे उन्हें लेके आना कि वो क्या आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करें, और जब वो परचेज कर लें तो उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो बार बार आप ही से परचेज करें। मिसाल के तौर पर कोई आपसे आता है, आप वेबसाइट बना के देते हो 25,000 की, 25,000 की वेबसाइट बना के आपसे कहते हो चल निकल जाओ, फिर से दोबारा मुंह नहीं लगाते। एक और बंदा है वो भी आपको 25,000 की वेबसाइट बना के देता है, बट वो बाद में आपको कोई मसला आता है, कोई ऊपर नीचे छोटा मोटा इशू आता है, वो सॉल्व कर देता है, तो आप दोबारा उसे जाके बनवाओगे। अब दोनों बंदे काम एक ही जैसा कर रहे हैं, क्वालिटी एक जैसी है, पैसे भी जैसे हैं, बट एक ही कस्टमर सर्विस अच्छी है, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, तो लोग उसके पास ज्यादा जाना पसंद करेंगे। ये बात हम दोस्तों के समय में आ रही है। जी सर। गुड गुड परफेक्ट। ओके जी नाउ इसके लिए ऐसे ना हम ऐड की तरफ चलते हैं। एक अच्छी ऐड के अंदर ना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ऐड को देखें सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर एक्शन लें, तो उसके अंदर ये चार क्वालिटीज लाजमी होती हैं। पहली क्वालिटी है अटेंशन ड्रैगर। अटेंशन ड्रैगर क्या होता है? आपकी अटेंशन जो है ना, आप पहले समझें कि इंसान की अटेंशन गैप जो है ना वो कम हो चुका है। पहले ये इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आज से हम 50 साल पहले चले तो अटेंशन गैप जो था वो मिनटों में होता था। आप किसी के बाद में 5-5 मिनट बैठ के सुन सकते थे। अब अटेंशन गैप मिनटों की बजाय सेकंड में आ गया है। आप 5 सेकंड से ज्यादा अगर कहीं बोर हो रहे हो तो वहां पे वेट करने की बजाय आप आगे स्किप करने की कोशिश करते हो, चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे वो पर्सनल आपके एक्सपीरियंसेस की बात हो। तो अटेंशन गैप जो है एज अ होल जनरेशन ना कम हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आ रहा है? जी सर। गुड। अब चूंकि ये अटेंशन गैप कम हो चुका है, हम सबके पास गोल्डफिश मेमोरी आ गई है, तो इस अटेंशन गैप को केटर करने के लिए हमें इस तरह की ऐड बनानी कि उसकी अटेंशन को हम थोड़ी देर के लिए पकड़ लें या अपने पास रोक लें। तो उसके लिए हम ऐसी चीज बनाएंगे कि वो 1 सेकंड के लिए ना जब स्क्रॉल कर रहा हो तो 1 सेकंड के लिए रुक जाए और देखिए ये इस ऐड में हो क्या रहा है। उसके लिए कई एड्स जो है ना, ब्रांड जो है, वो पहले 1 सेकंड के लिए कोई इस तरह की चीज लगा देंगे जो कि आपको आगे जाने से पहले रोकेगा कि ये हो क्या रहा है, वो देखने के लिए। और अच्छी ऐड की ये क्वालिटी होती है, वो आपको 1 सेकंड के लिए रोक लेती है और फिर आप उसे आगे लेके चलते हैं। सेकंड थिंग इज आपका पहला मैसेज। वो मैसेज जो अगर बंदा इंटरेस्ट पैदा उसके दिल में हो रहा है तो उसे केटर कर रहा हूँ। तो थर्ड थिंग इज मैसेज की बॉडी क्या है, आपकी असल में चीज चाहते हैं क्या, आप क्या करवाना चाह रहे हैं उसे। और लास्ट थिंग है उसकी कॉल टू एक्शन कि आपके ओन गोल क्या है, आप चाहते हैं डाउनलोड करें, आप चाहते हैं रजिस्टर करें, रीड करें, सेल चाहते हैं आपकी शॉप पे जाके बाय करें, तो जो भी आपकी कॉल टू एक्शन है वो आप डालेंगे। ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो कि एक अच्छी एड बनाने में हेल्प करती है हमें। ये बात हम सब दोस्तों से हमें आ गई है? जी सर। जी सर। परफेक्ट। अब जरा इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, एक एक चीज को अलग अलग करके समझते हैं। मेरी स्क्रीन आप दोस्तों को दिखाई दे रही है ना? क्लियर है सर, थोड़ा गुड जूम परफेक्ट कीजिए। ओके। ये कैंपेन है, मैं जैसे तो जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा जी। अच्छा ये कैंपेन आप दोस्तों को दिखाई दे रही होगी, मैं चाहता हूँ पहले आप इस तरफ देखें, इस वाले हिस्से को। जी सर, नजर आ रही है। इस कैंपेन के अंदर ये जो फोटो है, आप नोटिस कर रहे हैं कि ये फोटो किस चीज की बनी हुई है? विलाज है और बीच है और समंदर है साथ। गुड गुड। क्या ये रियल फोटो है या बनाई हुई है? ये मुझे तो लगता है बनाई हुई कोई 3D मॉडल है।
और एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर. दिस इज अ 3D मॉडल, नॉट अ रियलिस्टिक फोटो. ओके, अब 3D मॉडल्स बनाने की क्या जरूरत है उन्हें? वो यहाँ पे बस इधर ये कि लिख के क्यों नहीं ऐड लगा देते, या कोई वैसे कह दें, कोई ऐसी फोटो लगा दें जो कि रिलेट ही नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्यारे से विला की फोटो लगा दें जो कि अमेरिका के अंदर है, तो उसकी फोटो क्यों नहीं लगा दी ना? 3D मॉडल क्यों लगाया है? कस्टमर अटेंशन. गुड, वेरी गुड, या वेरी गुड आंसर. द मेन पर्पज इज कस्टमर अटेंशन एंड ट्रस्ट. अगर आप कोई ऐसी चीज लगाते हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो कस्टमर आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आपका उसका रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होगा, वो आप पे यकीन नहीं करेगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं एक एग्जाम्पल दवाई की लगाता हूँ. मैं कहता हूँ ये आप दवाई खा लें, ये दवाई खाने से आपका कद 2 दिनों के अंदर 10 फुट बड़ा हो जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई भी एग्जेजरेटेड झूठ बोलते थे आप, तो क्या कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा अगर आप कोई भी एग्जेजरेटेड झूठ बोलते हैं? नो सर. नहीं सर, ये तो मुमकिन नहीं है ना. अगर नहीं होगा ना, जब भी आपको बिल्कुल अच्छा एग्जेजिएट का होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलना, ठीक है, बट अगर आप एग्जेजिएट झूठ बोलेंगे, जब आप मिनिमलिस्टिक झूठ बोलेंगे, वो फिर भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. कैसे? अगर मैं कहता हूँ ये आप दवाई खा लें, ये दवाई खाने से आपका 1 इंच बड़ा हो जाएगा या 2 इंच बड़ा हो जाएगा, तो इस पर फिर भी कस्टमर शायद यकीन कर ले, क्योंकि रियलिस्टिक है, थोड़ा यकीन आ सकता है कि हाँ थोड़ा सा तो कद बढ़ ही जाता है बंदे का. बट अगर मैं कहूंगा कि नहीं आप ये खा लें, आपका कद 1-2 फुट लंबा हो जाएगा, तो रियलिस्टिक नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एड्स के अंदर जब लोग झूठ बोलते हैं तो इतना मिनिमलिस्टिक क्यों बोलते हैं, एग्जैजरेट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेगा कभी भी आपके साथ. वो यही समझेंगे कि ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं सिर्फ. एग्जैक्टली भाई, दैट्स द पॉइंट आई वाज गेटिंग एट. तो जब आप इस तरह का मॉडल क्रिएट करते हैं, तो उन्हें लगता है भाई ये इस पे काम कर रहे हैं, दिस इज इन प्रोग्रेस, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ. जब आप इधर फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर की बिल्डिंग बना रहे हो और लाहौर के उसके अंदर आप लैंडमार्क्स दिखा रहे हो, तो उन्हें यकीन आ जाएगा हाँ यार ये लाहौर के अंदर बनाया, मैं इस पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ. अक्सर लोगों को देखा कि वो उसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे वो खुद होती हैं, जहाँ पे जा सकते हैं, इंस्टेड के दूसरे मुल्कों में जाए. उसकी एक वजह ये होती है ट्रस्टेबिलिटी. अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इस एड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो देखने वाली हैं. द वन थिंग इज दिस कि उन्होंने इमेजेस कौन सी यूज़ की हुई हैं, उन्होंने लाइन्स कौन सी यूज़ की है, उन्होंने टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, और इन सब चीज़ों को मिलाते हुए अब इसकी डिसेक्शन के ऊपर हम सब काम करते हैं. इसके अंदर हम इन कुछ चीज़ों को देखेंगे. वो चीज़ें क्या है मैं तो थोड़ा जूम आउट करके बताता हूँ आपको. एक सेकंड. अच्छा, हमने इमेज को चेक करना है. इमेज क्या है, काम कर रही है, पहली और दूसरी लाइन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या काम कर रहा है, कॉपी क्या है और कॉल टू एक्शन क्या है. अच्छा, इमेज को हम तो देखें, इमेज जो है वो अटेंशन ग्रैबिंग है. ग्रैबिंग है क्या, वो 1 से 2 सेकंड के लिए रोकेगी कस्टमर को, रोक लेगी, और इन चीजों के ऊपर काम करते हुए इमेजेस जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर देंगे. दूसरा, कॉपी क्या है, अटेंशन मेंटेनेंस, कीप द यूजर रीडिंग एट व्हाट यू ऑफर, फोका बे है टू टेस्ट ऑफ सन सोक आइलैंड लाइफ. अब वो यहाँ पे उसकी अटेंशन ग्रैब की हुई है, उसे हुक डाल रहा है कि भैया ये हम काम कर रहे हैं आपके लिए. मैसेज एंड स्टार्टअप कैप्शन ये है, सोशली स्पिरिटेड आइलैंड्स कम टू लाइफ और यू शुड आंसर वर्सेट इन फॉर मी. अब अगले वो ये बात पूछेगा कि मेरे इसमें क्या है. अच्छा यार, बिफोर वी गेट फॉरवर्ड ना, एक चीज़ है जो इधर मिस है, वो मैं आपको एक बोनस टिप देने लगा हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लिख भी लीजिएगा. वो बोनस टिप है इमोजीज यूज करना. इमोजीज क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? स्माइलीज वगैरह, या उससे अगर कोई बादल है उसके कोई आइकन्स होता है. जी गुड, थैंक यू वकार भाई. अब ये बता सकते हैं कि इमोजीज यूज करने का फायदा क्या है, बट व्हाई आर वी गोइंग फॉर इमोजीज? सर, बेसिकली उससे हम इमोशन जाहिर करते हैं. अगर कोई गुड, वेरी चीज गुड, चीज अच्छी है तो हम उसके अच्छे से इमोजीज डालेंगे, तो लोग जरा पॉजिटिव लेंगे उस चीज को. और ये है वेरी कि गुड सारा आंसर. टेक्स्ट टेक्स्ट भी बंदा एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट हो तो वो भी बंदा बोर हो जाता है, तो इमोजीज डाल के तो हम उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं.
वेरी वेल एक्सप्लेन बकाया भाई। अच्छा अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल टेक बताता हूँ जो कि बकाया भाई ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ह्यूमंस जो है ना, इंसानी दिमाग जो है वो दो चीजों के लिए हार्ड वायर्ड है एवोल्यूशन से, स्टार्ट से। द फर्स्ट थिंग इज लार्ज अमाउंट्स ऑफ साउंड, द सेकंड थिंग इज कलर। जब भी हमें ऊंची आवाज कहीं से आएगी तो हमारी अटेंशन उस तरफ अपने आप जाती है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जब आपको कलरफुल कोई चीज दिखती है तो आप उस चीज को देखना पसंद करेंगे बनिस्बत किसी ब्लैंड चीज को जिसमें कलरफुल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक किताब है, कॉमिक बुक है फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को वो दे दें और दूसरी आप उसे पढ़ने वाली किताब दे दें जिसमें तस्वीरें वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो वो तस्वीरों वाली बुक को पढ़ने की पसंद करेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है हार्ड वायर्ड है इस चीज के लिए। उसे स्टिमुलाई मिलता है कलर से, साउंड से, तो जितना उसे स्टिमुलाई मिलेगा वो उतना उस तरफ ज्यादा गौर करेगा। ये बात हम सब दोस्तों से हमें आ रही है? जी सर बिल्कुल। गुड, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा उस ब्रेन को स्टिमुलाई प्रोवाइड करें जो कि हमारे जो हम चीज बेचें उससे रिलेटेड है, तो उसके बिकने के चांस, उसकी टारगेटिंग के चांस, उसके एक्शन लेने के चांस, ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ठीक है सर, गुड हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने बात की एड के बारे में, इमेज के ऊपर बात की, कॉपी पे बात की फर्स्ट लाइन की, अब दूसरी कॉपी को देखते हैं। दूसरी कॉपी के अंदर वो क्या कहता है, हॉक स्टेज से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव तक स्टेज तक लिया जाता है। कैसे? अनपैरेलल्ड फ्यूजन ऑफ द एडवेंचर एंड ट्रैंक्विलिटी नॉट ऑफर्ड एल्सवेयर, मानी कि हम ऐसी चीज दें जो किसी के पास मौजूद ही नहीं है। अदर वर्ल्डली आइलैंड एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो कि दूसरी दुनिया से ताल्लुक है, जनती एक्सपीरियंस है आपका, जो कि जिसके लिए आपको हजारों किलोमीटर दूर सफर करना पड़ेगा। अपनी खुद की जन्नत में आप जागें और वैरायटी ऑफ लग्जोरियस आर्किटेक्चुअली अपीलिंग वाटर फ्रंट विलास में से एक घर लें जो कि डबल डेक ट्विन हाउसेस में होगा, ट्विन टाउन हाउसेस होंगे, अपने चैलेंज होंगे, स्पेशियस कैबिन होंगे, बंगलों होंगे। सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देनी है, 7 साल तक इंस्टॉलमेंट देनी है। और सच ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम मिलती हैं। अभी के अभी अपना घर लो। आप नोटिस करेंगे उसने पहले हुक किया, अपना ऑब्जेक्टिव बताया, आखिर में अपनी उसने शर्तें दी और कह भैया अभी के अभी अपना घर ले लो। तो एक कम्प्लीट स्टोरी में उसने हुक से लेके बेचने तक की सारी बात कर ली है। ये हम सब दोस्तों से हमें आ रही है स्टोरी? जी सर। गुड गुड, आकिब भाई ने ज्वाइन किया। आकिब भाई आई विल नीड योर परमिशन क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डिंग में है, इनके साथ आपने नहीं दी तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैसेज कर लीजिए। ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा आकिब भाई आप अभी थोड़ा लेट आए हैं, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं अभी तक हमने क्या बात की है। हम अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और एक कैंपेन को डिसेक्ट कर रहे हैं। जी सर। गुड हो गया। अच्छा अ कॉल टू एक्शन उन्होंने क्या दिया कि अभी के अभी अपना घर ले लो, गेट योर वाटर फ्रंट होम नाउ। अब ये फुलफिलर है जो कि इस पूरी कैंपेन को ए टू लेके जेड तक कंप्लीट कर रहा है। यहाँ तक हमारी पहली एक्टिविटी आज की कंप्लीट हो गई है। किसी को यहाँ तक क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें। सर ये फर्स्ट मैसेज थोड़ा रिवाइज करना। श्योर श्योर। अच्छा आप इस वाले मैसेज की बात कर रहे हैं? जी सर यही है। गुड, बट पहले हम इसे समझने से पहले ना हमें इसको देखना पड़ेगा। आपकी जो एड शो होती है ना वो कुछ इस तरीके से शो होती है, पहले होती थी, अब इसका भी वर्जन चेंज कर रहे हैं। वैसे ऊपर आपकी कैप्शन आ जाती हैं, नीचे आपकी इमेजेस या वीडियोस आ जाती हैं, फिर लास्ट में आपका एक कॉल टू एक्शन या आपकी जो टैग होते हैं ना वो आ जाते हैं। मैं आपको एड के ऊपर भी शो कर देता हूँ, अगर मैं कैंपेन मैनेजर खुल गया। अच्छा ये एक ऐड है, इस ऐड में गया मैं, इसको एडिट कर दिया मैंने। ये स्क्रीन शेयर हो रही है दोस्तों के साथ? जी सर। बेहतरीन, मैंने अपना एड मैनेजर खोला है, उसके अंदर एक कैंपेन मैंने लॉन्च की थी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रेड शेड सर इनके बड़े हैं या नहीं? मैंने काफी अरसा हुआ यूज ही नहीं किया। यार पाकिस्तान के जो है ना रेट वो तकरीबन सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं आया। यूएस का महंगा हो गया बहुत।
आप ऐसे किस कहाँ के लिए कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं? सर मैंने तो पाकिस्तान के चलाए हैं, एक बार यूके का कर यूके का चला रहा था, वो अप्रूव ही नहीं कर रहे थे, कोई रियल स्टेट से रिलेटेड मैं चला रहा था, चलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, पाकिस्तान का ना यार सीन ये, पाकिस्तान की जो है ना कॉम, इसकी वैल्यू नहीं है कोई उसके, ना फेसबुक की वैल्यू देता है, ना हम अपने आपको खुद वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे जो कस्टमर हैं ना उसकी बाइंग पावर अच्छी है, ना उसकी परचेस पावर अच्छी है, ना वो क्वालिटी वैल्यू प्रोवाइड करता है कोई, तो ऐसे ऐसे ना उनकी एड्स हमेशा सस्ती होंगी पाकिस्तान की, मुझे जाना लगता है। उसकी नस्बत जो अमेरिका या यूके है ना, ये लोगों की बाइंग पावर भी ज़्यादा है, परचेस पावर जो है, इसके अलावा ये वैल्यू भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो इसलिए ना उनकी जो है वो महंगी है, वो सिंपल स्टोरी यही है, वो आगे भी यही चलेगी। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे कैंपेन का एक एग्जांपल दिखाई दे रही है दोस्तों। जी सर। अच्छा ये एक लाइक के लिए कैंपेन लॉन्च की थी कल परसों, तो इसके अंदर ऊपर एक छोटी सी कैप्शन दी, वेबसाइट दी, एक ऑफर डाली फोटो इमेज की, और यहाँ पे आपने अपना डाल दिया। अब इसे नोटिस किया, इसके अंदर चार डिफरेंट चीजें हो रही हैं सैंपल के अंदर, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपका कॉल टू एक्शन हो गया, ये आपकी इमेज होगी, और ये आपकी टैगलाइन या राइट हैंड कॉपी हो गया, ठीक है। आप उन्हें इस तरह यहाँ से एडिट करते हैं, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट एडिट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप अपनी इमेज को एडिट कर रहे हैं, और अल्लाह बिला करे आपका इसको अगर एडिट करें जो कि ये भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बंद कर दिया, तो फिर आप इस वाली चीज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों का ताल्लुक क्या है, ये एक दूसरे को कैसे बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस थैंक यू वेरी मच, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ऑल ऑफ दीस थिंग्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे को समझे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म जो है ना वो तभी काम फंक्शन अच्छे तरीके से करेगा जब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जब ये एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होंगे। अगर एक चीज अलहदा बात कर रहा है, दूसरी चीज अलहदा बात कर रही है, आपका मैसेज कोहेरेंट नहीं है, या आपके मैसेज के अंदर लूप होल्स हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना पसंद नहीं करेगा। बट अगर ये सारी चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, एक ही आइडिया को प्रमोट कर रही हैं, एक ही चीज बेचने की कोशिश कर रही हैं, और एक कम्प्लीट स्टोरी बना दें, तो आपकी चीज बिकने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये बात हमें पहले समझने की जरूरत है, ये बात समझ में आ गई हम दोस्तों को? जी जी बिल्कुल सर। गुड। अच्छा अब नाउ विद दिस पर्टिकुलर इनसाइट इन माइंड, हम जब इन चीजों को देखते हैं, हमने इस चीज को पहले स्टडी किया, ये वाली चीज को, फिर हमने इस चीज को स्टडी किया, इमेज को स्टडी किया, अब इस चीज को स्टडी करते हैं। अब आप नोटिस करें ये मैसेज जो फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर है, ये क्या कर रहे हैं, ये इंटेंशन मेंटेन कर रहे हैं कि उस बंदे की अटेंशन आगे ना जाए, जो कि हमने पहले इमेज के अंदर ग्रैब करने की कोशिश की थी, ऐसी ही बनी, हमने पहले कोशिश की कि अटेंशन आ जाए, और यहाँ पे हम अटेंशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हुक डाल रहे हैं, हुक के अंदर क्या है कि सोशल स्पिरिटेड आइलैंड्स कम टू लाइफ, उसे क्या कह रहे हैं कि फोका बे में एक टेस्ट ऑफ टू सन सोक लाइफ है, आके एंजॉय कर लो। फिर आगे से उसके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, अब इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, या अब कुछ समझ में आया भाई, यहाँ हो एक्सप्लेन कर दूं? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर हो गया बड़ी? जी जी सर, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस इसके साथ हम आज ये वाली है ना एक्टिविटी ये कंप्लीट हो गई है, अभी हम तकरीबन 4 मिनट की ब्रेक लेंगे, 4-5 मिनट की, और 6:50 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सही है सर। ओके।
आप दोस्त वापस आ गए सर? जी सर। गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा जब आप लोग देख सकें। स्क्रीन नजर आ रही है आप दोस्तों को? जी सर, जी सर, जी सर नजर आ रही है। थैंक यू। अच्छा हमने पहले कुछ डेफिनेशन है, उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट कैटेगरीज उनके तरफ हम जाएंगे, ठीक है? अच्छा ये सारी चीज हमने पहले एक बार स्टडी की भी हुई है, बट हम इन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? अनीस भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। इम्प्रेशन जो है एक एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है ये? एडवर्टाइजमेंट सर, इम्प्रेशन। जी जी, इम्प्रेशन सर बता सकते हैं क्या होता है? जो फर्स्ट व्यू है, वो व्यू होता है ना, मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जी जी, वो इम्प्रेशन कहलाता है। जी ठीक हो गया। आके भाई आप बताएं सर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेसबुक पे सर्फिंग कर रहे हैं तो हमारे सामने एक एड गुजर गया, ये इम्प्रेशन होगा कि हमारा एड किसी एक बंदे को दिख गया है। जी ये इम्प्रेशन होगा। गुड हो गया। रीच क्या होगा फिर आके भी बताओ? जो उस पे आई थिंक 3-4 या 5 सेकंड उसको वॉच कर ले या कोई एक्शन परफॉर्म करे सर। अच्छा नहीं, ये अक्सर ना मैं क्लियर कर देता हूँ, इम्प्रेशन रीच में फर्क क्या होता है। इम्प्रेशन जो होता है ना वो कस्टमर साइडेड होता है, रीच जो होता है ज्यादातर परचेसर साइडेड होता है। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इम्प्रेशन होता है कि किसी ने वो एड देख लिया ना, वो उसका इम्प्रेशन हो गया है। अगर उसने वहां पे वो एक सेकंड रुक गया, ठीक है, फिर इम्प्रेशन होगा। बट अगर उस तक एड पहुंच गई है बट उसने देखी नहीं, वो उसे वैसे स्क्रॉल डाउन करके निकल के आगे, एक सेकंड भी नहीं रुका, तो वो रीच में काउंट हो जाएगा बट इम्प्रेशन में काउंट नहीं होगा। ये दोनों में फर्क समझ में आ गया भाई? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा साथ भाई क्लिक क्या होता है? जब हमें कोई ऐड नजर आ जाती है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, वो क्लिक के जब हम कोई सर्फिंग करते हैं या कोई करते हैं और हमें ऐड दिखाई दे जाए, हमें ऐड नजर आ जाए और उसको हम देखने के बाद उस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक में शुमार होगा। शाबाश शाबाश। अच्छा अब फिर लीड क्या होगा ये भी बता दें मुझे सर। लीड जो हमारा जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है, जो हो सकता है कि वो हमारा जो सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम लीड कहते हैं। गुड गुड हो गया। अच्छा मैं लीड की कैंपेन लॉन्च की आप में से किसी ने कभी सर? नो सर, नहीं। अच्छा लीड की कैंपेन ना बेसिकली होती है इंफॉर्मेशन बेस्ड। आप फॉर्म क्रिएट कर देते हो और जो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नाम चाहिए, मुझे नंबर चाहिए और वो किस तरह के आप प्लॉट लेना चाहते हैं या किस तरह का घर लेना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इस तरह का एक फॉर्म बना दूंगा, वो ऐड लगा दूंगा, तो हर दफ़ा जब भी कोई मी ऐड पे क्लिक करेगा तो फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म पे भी जो बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा ना, वो मेरी लीड बन जाएगा। ये आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई? जी सर बिल्कुल। ये सब दोस्तों समझ में आ गया बात कि एक लीड हुकलिंग में क्या रास्ता, क्या जर्नी आपका होता है? जी सर, लीड में साइन अप कर लेते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, जबकि क्लिक में वो जस्ट आपको ऐड व्यू कर। यप गुड ओके। अब जरा इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए आगे चलते हैं।
CTR है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट से बना दिया कि कितने लोगों ने पे वो इम्प्रेशन पड़ा हो, इम्प्रेशन के ऊपर कितने लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया। हाई CTR मींस कि आपकी एड अच्छी बनी हुई है, लो CTR मींस आपकी एड अच्छी नहीं बनी हुई है। अब जरा इसको चीज को डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एड पे लो CTR आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी एड को क्या कहते हैं हाई CTR करने के लिए, कोई दोस्त मुझे बताएगा कोई ऐसी चीज सर स्टार्ट में डालेंगे जो हम सब की अटेंशन अपने तरफ ले ले। सर CTR ये होता है ना कि जब हमारी नजरों से कोई एड गुजरे और जब अगर हम उसे क्लिक करें तो वो एज अ CTR काउंट होगा। अच्छा, जब आप उसे क्लिक करेंगे ना तो वो क्लिक ही काउंट होगा, बट ये आपकी तरह जितने सारे दोस्त उस एड से गुजर चुके हैं ना उनका होल जो एवरेज है ना उस होल एवरेज का जो रेशियो है वो CTR कहलाएगा। एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एड बनाता हूँ जो कि वकार आकी मिसबा साद अनीस सबको देखती है, ठीक है। अब उन 10 दोस्तों में से 5 दोस्त जो है उस एड को देख के मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो मेरा CTR जो है वो ये आधा है 50% पे आ रहा है। ये समझ आ रही बात? जी सर बिल्कुल, वो ये काफी अच्छा CTR है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कभी भी इतना अच्छा CTR नहीं आता। आमतौर पर CTR जो होता है ना वो लोअर डेसिमल्स में होता है, 10% 15% या 5%, तो इस रेशियो में होता है आमतौर पर CTR, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने CTR इंक्रीज करना है ना, जैसे आकिब भाई ने बताया आप ऐसी चीज लगाएंगे अटेंशन ग्रैब होके वो आपकी परचेसिंग की तरफ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक ऐड जो अच्छे काम नहीं कर रही है, आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हैं, उसकी इमेज चेंज करके देखें, उसकी कॉपी चेंज करके देखें और उसकी ऑफर चेंज करके देखें, AB टेस्ट करके देख लें किस चीज पे फायदा ज्यादा हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम आप उस वाली चीज को लेके चलेंगे। अरे एक चीज यहां बैठ कर लो, ये इंप्रेशन जो है इंप्रेशन के बाद यहां पे ये जो क्लिक कर लेगा तो ये CTR में काउंट होते हैं। तो CTR सर वो अगर फॉर्म खोल दें और फॉर्म जो है ना वो फिल करने में मसला आ रहा है ना उनको, मतलब बस चीज उनके पास नहीं और बस डेटा, तो वो फिर वापस क्लोज कर जाता है। हालांकि उनके लिए अगर सिंपल सा तो 3-2-3 लाइंस में तो वो फिल कर सकता है इजीली। तो CTR से ऊपर ये आपने बिल्कुल अच्छे बताया, आपका फॉर्म जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका CTR रेट हमेशा उतना कम हो जाएगा। लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद करते हैं, अगर उन्हें लगेगा कि आप उनका टाइम ज्यादा लग रहा है या उन्हें लगेगा कि ये जो है इसका फायदा नहीं होगा या फिर कोई सही वजह है जिसकी वजह से वो आपके ऐड को क्लिक करते हैं, क्लिक करके वो एक्शन करने के बजाय वो वापस चले जाते हैं या स्किप कर जाते हैं तो आपका CTR जो है डाउनफॉल हो जाता है, मैंने गिर जाता है। लेकिन सर हमें तो इससे ये भी पता चल जाता है ना कि अगर किसी ने लंबा चौड़ा फॉर्म फिल किया तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज में और वो लीड हमारी ज्यादा कन्वर्टेबल हो सकती है। वो सर एक चीज आपने बिल्कुल ठीक बात की है, उसकी कन्वर्जन रेट इंक्रीज। देखिए ना यार ये कैसे मैं बताऊं, ये एक गिव एंड टेक वाला इशू है। अगर आपका वो हाईली कन्वर्टिंग तो होगी बट ये कि वो बहुत कम लोग आएंगे, बट इसके ऑपोजिट अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आप हो सकते हैं उनमें से कई ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 10 लोगों ने फॉर्म फिल किया है जो लो कन्वर्टिंग वाली एड्स जिसमें 2-3 बातें पूछी हैं, हो सकता है उनमें से ज्यादा लोग कन्वर्ट कर जाएं या जब आप उनसे बातचीत करो उन्हें आप मनाओ या कोई भी डील अच्छी कर दो या कोई इस तरह की चीज को। बट अगर एक ही बंदा आया है हाईली कन्वर्टिंग वाला और उसने अकेले ने चीज बाय की है या नहीं की है तो उस पर आपको नुकसान के चांस ज्यादा है। ये बात समझ आ रही है आपको सर? सही है सर। असल में ये जो CTR वकास भाई ने कहा तो ये बड़ा फॉर्म हो तो सर वो वहाँ पे लोग फिल करते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप वाले फॉर्म आ रहे तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं और वहाँ पे फिल करने में लोगों को मसला आ रहा है लेकिन वो फिर भी फिल कर सकते, तो ये वहाँ पे ये लंबा फॉर्म जो है ना वो चलता है। यार लंबा फॉर्म ना मैंने जहाँ तक देखा सिर्फ उस हालत में चलता है जब उस बंदे की वो मजबूरी हो, अगर मजबूरी नहीं है ना कोई भी बंदा लंबा फॉर्म नहीं फिल करता, मैं जहाँ तक ऐसा है। तो सर जॉब लेटर के लिए या जॉब की एप्लीकेशन के लिए आपको फिल करना पड़ता है, वहाँ पे वो लोग मजबूर होते हैं उन्हें जॉब चाहिए तो इसलिए वो फिल कर देंगे,
अब आप अपनी चीज बेच रहे हो, अब मिसाल के तौर पे आप बेच रहे हो प्लाट बेच रहे हो, या फिर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेच रहे हो, वेबसाइट बनाने वाली, आप एक 8 पेजेस का फॉर्म बना देते हो, कैसी वेबसाइट चाहिए, मुझे सैम्पल वेबसाइट की लिंक दें, मुझे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दें, मुझे वेबसाइट के ये चाहिए वो दें, आप इतना लंबा जब फॉर्म बना दोगे तो वो एक बंदा भी आपसे वेबसाइट बनवाएगा, क्योंकि वो इतना टाइम देना नहीं चाहते आपको, उनका इतना टाइम है ही नहीं आपको देने के लिए। ये बात समझ में आ रही है भाई? जी जी बिल्कुल आप क्या सर, कहते हैं? बिल्कुल सर, इसी तरह है। तो लंबा फॉर्म अगर किसी फिल कराओगे तो फॉर्म भाई आपका क्या मशवरा है, आप क्या समझते हैं? इसमें सर हम AB टेस्टिंग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कह सकते हैं, और इसमें की भी जाती है। मिसाल के तौर पे ये जिससे अभी हम बात करें, एक फॉर्म बना दिया आपने जो कि हाईली कन्वर्टिंग लीड्स वाला है, एक फॉर्म बना दिया जो है थोड़ा नॉमिनल लीड्स वाला। अब दोनों फॉर्म्स को आप अलग अलग टारगेटिंग के पर रन करके देख लो, या सेम टारगेटिंग पे रन करके देख लो, देख लो फिर किस पे ज्यादा लीड्स आ रही है, किस पे ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, इस पे आप AB टेस्टिंग कर सकते हो। क्या क्या हो, कोई क्वेश्चन होगा अभी नहीं सर, यहाँ तक? हम सब दोस्तों समझ में आ गई है? काइंडली मुझे बता दें। जी सर, जी सर, क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, CTR पहली है, बाकी CPC है, कोस्ट पर क्लिक, कि आपको जितनी क्लिक्स आ रही है उनके पर आपको कोस्ट क्या पड़ रही है। अगर आपकी जो एड है वो कन्वर्टिंग ज्यादा है तो इतना इशू नहीं आएगा, अगर कन्वर्टिंग कम है तो फिर इसका कोस्ट पर क्लिक आपको ज्यादा पड़ेगा। सेम थिंग कोस्ट पर MNM या कोस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ये टोटल अमाउंट जो स्पेंट होती है उससे आप 1000 इंप्रेशन से कैलकुलेट क्लिक करके निकालते हो। फ्रीक्वेंसी होती है कितने दोस्त कितने लोग आपकी ऐड को लगातार यहाँ बार बार देख रहे हैं और कितने लोगों की आंखों से जा रही है। और CAC, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये किसी दोस्त को पता है जो मुझे ये समझा सके क्या होता है? फर्स्ट टाइम सुने सर। ओके अच्छा, नहीं कस्टमर एक्विजिशन किसे कहते हैं, आके ये पता है आपको? सर, लास्ट क्लास में बताया था, अब याद नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो कस्टमर एक्विजिशन एंड बेसिकली मींस कि कस्टमर को अपने ब्रांड या अपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस है उसके लिए हासिल करना, ठीक है? अब एक कस्टमर हासिल करने में आपकी कितनी कीमत लग रही है वो आपकी एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। ये बात समझ में आ गई हम सब दोस्तों को? जी सर, गुड। एक अच्छा कस्टमर को हासिल करने के लिए कितनी जी, एक कीमत कस्टमर लगती को है? जी, जितनी वैल्यू आपकी लग रही है ना वो जी आपकी जी CAC या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। अब ठीक, तो इस चीज मतलब को समझ, एक चीज बेचने में हमारा कितना खर्चा हो रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस चीज को समझते हैं। अब मैं बटवे बेचता हूँ लैदा की, ठीक है? बटवे की कीमत है 500 रुपया जो मैं बेच रहा हूँ, मुझे बनाने पे इसे लग गया 200 रुपया। मार्केटिंग भी मैं कितने पैसे लगाऊंगा और मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा, अब ये सारी चीजें CAC पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे 200 का प्रोडक्ट है, मैं इसके ना साथ साथ आपको बना के भी दिखा दूंगा क्या लोग इसके एनोटेट करते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, इमेजिन करें अगर ये मुझे ड्रा कर नहीं जाते, ठीक है, मेरी ड्राइंग गंदी है इसलिए आप लोग खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा। मेरे पास एक ब्लू कलर का वॉलेट है, ठीक है? वो वॉलेट मैं बेचता हूँ 500 का, ठीक है? वहां से इसकी सेल प्राइस, बनाया कितने का मैंने? मतलब दो दो सौ सौ गुड। ये चीजें सर फेसबुक एड्स मैनेजर की इकोसिस्टम में है। नहीं,
ये चीजें आप जब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे होगे या मार्केटिंग मैनेजिंग की जॉब कर रहे होगे ना, तो चीजें आपने खुद से डिसाइड करनी होती हैं। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक पूरी स्टोरी का पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ कैंपेन लॉन्च नहीं करनी होगी, आप लोगों ने ये भी देखना होगा कि जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हो उसका आपके कस्टमर को फायदा भी हो रहा हो, फिर ही आप उसके साथ ज्यादा चल सकते हो। अगर आप सिर्फ सिर्फ एक दफा की सर्विस दोगे ना कि मैं इसे एक बार कैंपेन लॉन्च करवा लो, मुझे 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया दे दो, वो फिर कहानी खत्म, तो आप हमेशा नुकसान में जाओगे। ऐसा काम करो कि कस्टमर आपके पास बार बार अपना काम लेके आए, और उसे प्रॉफिट होगा तो वो आपके पास बार बार आएगा। अगर वो आपसे प्रॉफिट नहीं हासिल कर रहा तो उसे कोई जरूरत नहीं आपके पास दोबारा आने की। ये बात समझे मैं भाई? जी सर। गुड। अच्छा अब ये जो है ना, 200 रुपया हमें बनाने पे लगा, 500 का मैंने बेच रहा हूँ, तो कितने पैसों का मार्जिन है मेरे पास? 300। 300 का। शाबाश। अब ये 300 में मैंने क्या क्या चीजें करनी है? 300 के अंदर मैंने डिलीवरी के चार्जेस भी निकालने हैं, 300 के अंदर मैंने मार्केटिंग के चार्जेस भी निकालने हैं, और 300 के अंदर मैंने अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी निकालना है। ऐसे ही है। जी सर। लेट्स सपोज के डिलीवरी के चार्जेस मुझे लग जाएंगे 100 रुपया, पीछे कितने बचे पैसे पे बच जाएंगे हमारे पास? 200। 200। गुड। 100 रुपया मैंने दे दिया भैया डिलीवरी के लिए, से पीछे बच गया 200 रुपया। अब मैं कस्टमर एक्विजिशन पे, एक कस्टमर या एक परचेज सेल करवाने पे अगर मेरे 220 रुपये की प्राइस लग रही है, एक एड मैंने के एक प्रोडक्ट पे इतनी सीएसी पड़ रही है, तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है या गंदा है? गंदा प्रोडक्ट है सर, लॉस में हम -20 में। क्यों गंदा है आके? सर 20 रुपये लॉस कर रहे हैं इधर। गुड। अगर मुझे इस पे सीएसी पड़ रही है 200, तो इस तब ये प्रोडक्ट को हम लॉस प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे या ब्रेक इवन कहेंगे? ब्रेक इवन क्यों ब्रेक इवन कहेंगे बकाया भाई? क्योंकि सर ना हम प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। गुड। अच्छा मैंने अगला पॉइंट बताना, बट उस पॉइंट से पहले मैं इस वाली बात बता दूं, क्या ब्रेक इवन लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होता है नुकसानदेह होता है? फायदेमंद होता है सर, आई थिंक मेरे ख्याल में। मैं लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा हूँ, देखो 2-3 महीने तक समझ में आती है बात, 2-3 महीने आप ब्रेक इवन पे चला लो कोई इश्यू नहीं है, नुकसान में भी चला लो फिर ब्रेक इवन पे आ जाओ फिर प्रॉफिट में आ जाओ कोई मसला नहीं है। बट अगर आप सालों साल एक प्रोडक्ट को ब्रेक इवन में बेच रहे हो ना, तो आप उस पर नुकसान करने लग जाते हो। उसकी वजह ये है, अनलेस कि वो प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प कर रहा हो, आपके ऊपर जो आप उस प्रोडक्ट पे एफर्ट लगा रहे हो वो आपके टाइम वैल्यू का लॉस हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपके बाप के? जी सर बिल्कुल यही बात। गुड। जब कोई स्टार्ट कर रहा है बिजनेस एक एग्जांपल लेते हैं। तो बूस्ट करने में ये हेल्प कर सकती है, कम से कम प्राइस में आप कस्टमर गेन होते जाएंगे, फिर जब आप इंक्रीज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको ये रिटर्न करेंगे फिर। गुड। ओके एक और एग्जांपल, अगर ये 150 का सीएसी है तो मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है निस भाई? 50 का सर होगा इसको। अच्छा अगर मेरा सीएसी जो है 100 का है तो कितने का प्रॉफिट होगा साथ भाई? साथ भाई हमारे साथ है? जी सर। साथ भाई सर मैं 500 का सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी जी टाइम था सर, इसके बाद मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं तो ये नहीं समझा। अच्छा कोई कोई इशू नहीं है। वकाय भाई सर जब मुझे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी भाइयों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बात हो रही है। तो सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में। कस्टमर शाबाश। एक्विजिशन ये है कि हमें एक कस्टमर पे कितना खर्चा आ रहा है और हम उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम एक कस्टमर गुड। को कितने पैसों अभी में एग्जांपल एक्वायर भी कर रहे हैं। लाइक हमने शाबाश। यहाँ पे एग्जांपल लिए वॉलेट की, एक वॉलेट हम 500 का बेच रहे हैं, सही है। उसकी जो जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम ले लेते हैं कि वो हमें 200 में पड़ रही है,
और हम फिर कहते हैं कि उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो 100 रुपए है, ये 200 प्लस 100 300 300, और ये हम कहते हैं कि हमारी जो इसकी सीएसी कॉस्ट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो भी 100 रुपए है। तो वो हम कैलकुलेट करके इस तरह प्रॉफिट निकालते हैं। गुड, क्या प्रॉफिट निकलेगा हमारा इस तरह? इस तरह हमारा सर 100 रुपए। शाबाश, वेरी गुड आंसर। अब आपके समय में आया साध भाई? जी सर, अब आया सर। अच्छा साध भाई, अगर मैं कहता हूँ कि हमारा डिलीवरी कॉस्ट जो है ना सस्ती हो गई है, हमने सिर्फ पिशावर में डिलीवरी देनी है और हमारी डिलीवरी कॉस्ट 50 रुपये है, ठीक है जी सर। अब मगर सीएसी जो है वो हमारा इंक्रीज होके हो गया है 150 रुपये, तो बताए हम प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे और ब्रेक इवन करेंगे? और अगर प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे कितना करेंगे सर? 200 150 250 400, फिर भी हमें सर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा सर। क्या बस इधर मगर समझाओ ना कैसे हमने कैलकुलेट किया सर? ये हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 200 की वो हमने डाली है, 50 रुपए 50 जो है वो हमने डिलीवरी चार्जेस जो है वो डाले हैं, और इसके बाद 150 जो सीएसी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो हमने डाली है, तो ये सब मिलकर 400 हो जाते हैं, तो हमारा सेल प्राइस जो है वो 500 है, तो इस तरह हमें 100 का प्रॉफिट होता है। शाबाश, वेरी गुड आंसर। अच्छा माशाल्लाह, हम सब दोस्तों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, ऐसे ही है? कोई ऐसा दोस्त जिसे समझ में ना आया हो काइंडली पूछ लें। क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स। परफेक्ट। अच्छा आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से इन चीजों को निकालना अब हम सीखेंगे, ठीक है? एक एड रन हुई जिसके 10,000 व्यू आए। व्यू का मतलब क्या है? 10,000 इंप्रेशन आए। वो एड 8,000 लोगों ने देखी और 400 लोगों ने इंटरेक्ट किया। 8,000 लोगों ने देखी मतलब कि 8,000 रीच आई आपकी, 400 लोगों ने इंटरेक्ट किया मतलब 400 क्लिक आए। उन 400 लोगों में से 50 लोगों ने अपना डेटा दे दिया हमें, तो 50 लीड्स आई हमारे पास। ये सब यहाँ तक समय आया हम दोस्तों को? एक कैसे निकाले हमने? जी सर। जी सर। गुड। अच्छा अब हमने CTR निकालना होगा, ये सारी चीजें निकालनी होंगी। कैसे? इमेजिन करें कि आपका जो स्पेंडिंग है आपने 1200 रुपये लगाया और 2 सेल्स आई है, ठीक है? अब ये आपको लिख के देंगे, तो आपने ये चीजें कैसे निकालनी, हम इन चीजों को देखते हैं। अब क्लिक थ्रू रेट हमने पहले डिसाइड किया था, क्या होता है कि आपको कितने क्लिक्स आए हैं इन अकॉर्डिंग टू योर इंप्रेशंस। तो हमने 400 को लिया यहाँ से, 10,000 को लिया यहाँ से, इन्हें आपस में कैलकुलेट किया, 4% आपका क्लिक थ्रू रेट आ गया। ये निकालना आ गया सब दोस्तों को? जी सर। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन हुआ तो कर लोगे? जी सर, इंशाल्लाह सर हो जाएगा। गुड, क्या बात। अच्छा आगे कॉस्ट पे क्लिक। कॉस्ट पे क्लिक कैसे निकालते हैं कि हमें एक क्लिक पे कितने पैसे पड़े हैं? सिंपल मेथड है, आपने जो आपकी वैल्यू आपकी एड पे जितने पैसे लगे वो पैसे पकड़ो, होने डिवाइड कर दो जितने आपके क्लिक्स आए हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 3 रुपये लग रहे हैं आपके एक क्लिक के ऊपर। ये समझ में आ गया भाई आपके? EGP का क्या मतलब है? या ये इजिप्शियन के लिहाज से हम कह रहे थे, याद है कंपनी इजिप्ट की है, ये इजिप्शियन पैसोस की बात हो रही है। ओके बड़ी जी, गुड गुड। ओके यहाँ तक हम सब दोस्तों से मैं कि फॉर्मूला लगा लेंगे आप लोग? जी सर। जी सर लगाएंगे इंशाल्लाह। शाबाश। फिर आगे CPM, कॉस्ट पर मिनिमम यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो हमने ये इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? जो हमने वैल्यू लगाई हुई है उस वैल्यू को पकड़ा, हमारे कितने इंप्रेशन पड़े हैं वो पकड़े, उसे कैलकुलेट किया, जो मनी स्पेंट है उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में लगाते हुए जो मनी स्पेंट है उसे लिया, उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, इंप्रेशन से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। क्लियर है सर। अनीस भाई, साध भाई, आप बताएं, आप लोगों को समझ में आया फॉर्मूला? दोबारा समझा दूं? जी सर, समझ में आ गया।
गुड गुड अनिश भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा, आप इतनी हमारे साथ। सही है सर, हाँ आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं बात सुनो, घबराने वाली बात नहीं, अगर ना समझे तो खुल के बता दो यार, दोस्त ही सारे। ओके सर, ये सीपीसी में ये 1200 किस लिहाज से है, उनके मतलब इसकी बात कह रहे हो? हाँ सीपीसी में ये फाइल। अच्छा यार ये ना कैलकुलेशन राइट साइड से लेफ्ट साइड में की हुई है इन्होंने, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन होगी। आप बेसिकली यहाँ से देखें और ये आपका आंसर होगा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कैसे। ये 1200 इसने यहाँ से लिया है, जो से टोटल पैसे लगाए थे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और आपने 400 कहाँ से लिया है? 400 जो आपके टोटल क्लिक का है वहां से लिया है, ठीक है? ये दो सिफर, ये दो सिफर से कट गया, चाहे थी ये 12, ये 3 GB आ गया। ठीक है सर। ओके बड़ी ठीक है सर। अच्छा ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, ये भी समझा दूं? नहीं सर ये आया समझ। गुड। अच्छा फ्रीक्वेंसी के कितने लोगों ने आके देखा उसके लिए क्या कह देंगे हम, जो हमारा इम्प्रेशन है उसे डिवाइड कर देंगे हमारी रीच के साथ। 10,000 को डिवाइड किया 8,000 के साथ, 1.25 फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा अब आपका CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है? 2 सेल्स हुई हैं। पैसे टोटल कितने लगाए? 12,000 रुपये लगाए। 12,000 को 2,000 से डिवाइड करो तो आपको 600 रुपया पड़ रहा है एक सेल के ऊपर। ये आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। ये सब दोस्तों से में आ गए फॉर्मूलास वगैरह? जी सर क्लियर है। जी सर आ गए। किसी दोस्तों को कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। चलें आगे चलते हैं। ये आगे कुछ केस स्टडीज है, ये डिफरेंट किस्म के एडसेट्स देखें। 85% एंड एक्सक्लूसिव सोशल स्पीड आइलैंड कम टू लाइफ कनेक्शन विद नेचर ग्रीन स्पेसेस वाटर फैसिलिटीज। ये मैं तो ज़ूम करके दिखाता हूँ आप लोग देख सकें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने लीड्स हैं, क्या रीच है, क्या इंप्रेशन है। जी जी बताएं सर, यहाँ पे जो इंप्रेशन है और रीच है इसमें सर डिफरेंस ये है कि ये इंप्रेशन ये है कि मतलब किसी के पास एड आया हुआ है और उसने गो थ्रू उससे किया हुआ है, और रीच वो है कि उसने क्लिक किया। ठीक है सर। नहीं क्लिक करना लाजमी नहीं है, लेकिन वो रीच है कितने लोगों तक। हाँ क्लिक जो है वो डिफरेंट चीज है। रीच इंप्रेशन में यूं समझें कि आपका पैगाम कितने लोगों तक पहुंचा है वो आपकी रीच है, और कितने लोगों की आंखों नहीं इस तरह नहीं समझा सकता मैं, बल्कि एक एग्जांपल देता हूं। एक एक मैं इंप्रेशन बेसिकली इंप्रेशन ये होता है कि सर्च रिजल्ट में हमारा एड कितनी बार शो हुआ है, और रीच जो है वो कितने लोगों तक हमारा एड पहुंचा है वो हम कह सकते हैं। अच्छा गुड हो गया जी। क्योंकि देखिए रीच अगर लेट से मेरे पास मैंने एक बार एड देख लिया तो वो रीच हो गई कि एक बंदे के पास रीच हो गई, लेकिन वो मुझे मेरे नजरों से 5 बार गुजरे तो वो इंप्रेशन हो गए। यप यप इसलिए इंप्रेशन ज्यादा है रीच पे कम। जी जी इसी तरह। थैंक यू वकाय भाई। ये यहां तक हम लोगों ने जो बातें की सबके समझ में आई, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लेते हैं, हम आगे चलते हैं। कंटिन्यू करें सर। परफेक्ट। अच्छा आगे ना कुछ कैंपेन्स उन्होंने लॉन्च की हुई है, वो कैंपेन्स के आगे उन्होंने एडसेट्स दिखाए हुए हमें, जिस तरह यहाँ पे 78 रिजल्ट्स आए हैं, 37,000 लोगों को रीच हुई है, 112,000 लोगों तक इंप्रेशन पड़े हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट हमें तकरीबन 70 रुपीज की पड़ रही है, अमाउंट हमने ये स्पेंड की हुई है, उसी तरह एक एडसेट ये उन्होंने लगाया हुआ है, आगे एक हेडसेट ये भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि 2,000 लोगों ने क्लिक किया है, 1,300 लोगों का यूनिक क्लिक है, 2.57 CPC पर है, यूनिक जो है 3.91 का पर है, CTR 1.80 का है। ये सारा डेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद है कि आपको एक रियल कैंपेन जो होता है उसकी एक शक्ल दिखाई जाए। इसके आगे चलते हैं। ये हमने पहले भी ऐड देखी थी, इस तरह की ऐड रन की थी उन्होंने, और इस तरह का फॉर्म था वो, उसमें उन्होंने ईमेल नेम और नंबर मांगा था। आप नोटिस करेंगे ज्यादा चीजें नहीं मांगी हुई हैं,
अगर ज्यादा चीजें मांगेंगे तो आपका कन्वर्जन कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे फिर उन्होंने उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ, कितने इंप्रेशन आए, इतनी रीच आई, इतने क्लिक्स आए, लिंक क्लिक्स आए, इतने क्लिक्स आए, इतने यूनिक क्लिक्स, लीड, CTR, CPC, CPM, फ्रीक्वेंसी, बजट, कॉस्ट लीड पर लीड। अब आगे इन चीजों को उसने फिर एक्सप्लेन किया हुआ कि इतने लोगों तक आपकी एड पहुंची थी, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने फॉर्म ओपन किया, इतने लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, कॉस्ट पे क्लिक आपका 2.67 आया है, फ्रीक्वेंसी 2.9 आई है, बजट आपका इतना लगा है, कॉस्ट पे लीड आप कितनी पर दी है, 3% सेल सक्सेस रेट आया है, 2 सेल हुई है जो कि 2 मिलियन की है, तो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स जो है वो 4 मिलियन का बन गया आपका। ये मैं आपको जल्दी से समय बता दूँ क्योंकि आगे मैंने आप लोगों से एक एक्टिविटी भी करवानी है। उम्मीद है सब दोस्तों समय में आ रही है, किसी को क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं है तो पूछ भी लें। क्लियर है सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर आगे सेम स्टाफ उन्होंने कुछ और कैंपेन की एग्जाम्पल्स दी हुई है कि ये कैंपेन लॉन्च की है, ये उसका रिजल्ट आया, तो इन रिजल्ट के लिहाज से उन्होंने उसका ये प्रॉफिट निकाल लिया। अच्छा, इसके आखिर में ना ये दो लिंक्स हैं जो कि एक है कि अपना फेसबुक मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है और लीड जनरेशन कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है, ये मैं आपसे डेटा शेयर कर देता हूँ, आप लोग इससे जरूर एक बार देख लीजिएगा जब आप लोगों के पास टाइम हो, ठीक है, अपने पास आप नोटपैड में लिख लीजिएगा, ये तो क्लिक हो जाओ मेरे से। अच्छा, इसके साथ हमारा ये वाली जो एक्टिविटी है ये कम्प्लीट हो गई है, अब हम एक खुद की एक्टिविटी मैंने सेशन कम्प्लीट हो गया, अब हम एक्टिविटी करने लगे हैं। किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है इससे पहले हम एक्टिविटी की तरफ जाएं तो अभी पूछ लें। नहीं सर, गो अहेड सर, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे फिर। जी अभी हम करने लगे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है सर, अभी इस तरह 3 मिनट की ब्रेक ले लें, पानी वगैरह पीना तो पी लें, उसके बाद हम 3 मिनट के बाद फिर अगली एक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्त वापस आ गए हैं। वालेकुम सलाम। जी सर है। जी सर। गुड। अच्छा अख्तर भाई, आपने ज्वाइन किया है, आपकी जी सर होगी कि उन्हें रिकॉर्डेड सेशन है। जी सर अभी ज्वाइन किया है सर, कोई इशू आ रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था सर। चलिए कोई इशू नहीं है, उम्मीद है अभी आपने ज्वाइन कर लिया, प्रॉब्ली इंटरनेट का मसला होगा। अच्छा गाइस, अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने लगे हैं, आप सब लोगों को मैं कुछ ग्रुप में बांट दूंगा। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 6 बच्चे हैं, 3-3 के ग्रुप में मैं बांट देता हूँ। और फिर हम करेंगे क्या, आप लोगों ने ऐसा ग्रुप ये एक्टिविटी को करना है, और सिर्फ आंसर नहीं लिखना बल्कि डिस्कस करना है आंसर की, अभी आंसर क्यों लिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया? ये मैं जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हूँ। करंटली एक बंदा जो कैप्टन बने इस टीम का, वो इस क्वेश्चन को उसके लिए ऐसे भी सोल्व कर ले। ठीक है, वर्ड की फाइल खोल लो या कोई प्रेजेंटेशन खोल लो और फिर उसके लिए ऐसे कर लो। मैंने रूम ओपन कर दिए हैं, काइंडली रूम्स में ज्वाइन कर लें आप लोग। आपकी वक्त भाई, आप लोग भी ज्वाइन कर लें। जी सर ज्वाइन कर लो।
गाइस अगर आप लोगों की स्क्रीन शेयरिंग पहले अवेलेबल नहीं थी काइंडली आप ट्राई करिए देखें। मैंने स्क्रीन शेयरिंग जो इनेबल कर दी तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए।
बस आके मिसबा भाई आ जाएं, मैं फिर आप लोगों को अगली असाइनमेंट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। चलिए परफेक्ट। अच्छा गाइस, एक एक्टिविटी माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर ली है, अभी हम सेकंड एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूँ कि वो एक्टिविटी है क्या, आपने क्या करना है, फिर आप लोगों को मैं वो शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा गाइस, ये आपकी एक्टिविटी नंबर टू ये है। आपको दो ऐड सेट्स दिए हुए हैं, ऐड नंबर वन ऐड नंबर टू। इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और इन सब की कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने मुझे ये सवालों के हल करके बताना है कि ज्यादा अच्छी इमेज किसकी है, कॉपी किसने अच्छी लिखी है, फॉर्म किसकी अच्छी है, लीड्स किसके पास ज्यादा अच्छी है, सी ए सी किसका, दोनों एड्स का कैलकुलेट करके बताना है। आपने मुझे बताना है कि कौन सी एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो क्यों लगता है वो एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये असाइनमेंट सब दोस्तों समय में आ गई है? जी सर। जी परफेक्ट। मैं आप लोगों को ग्रुप में दोबारा भेजा, आप लोगों ने ये, मैंने आप लोगों को ऐसे ये चैट के अंदर शेयर कर दिया लिंक, ये आप लोगों ने ओपन करनी है। ओपन करके आप फाइल में आएंगे और इसे डाउनलोड कर लें या मेगा कॉपी करके न्यू कॉपी के अंदर आप काम शुरू कर लेंगे। ठीक है जी सर। हम जब मैं अच्छा ठीक है, हो गया इसी भाई। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो मेक अ कॉपी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई एम बेकिंग यू आउट इनटू ग्रुप्स। सेम ग्रुप्स में जाना है, डिफरेंट ग्रुप्स बना दें? सेम ही ठीक है सर। सेम ठीक है सर, लगा ठीक है सर हमारे, बट मैंने डिफरेंट बना दिए हैं, आप लोग उस ग्रुप में चले जाएं। ठीक है सर। चले आप लोगों को मैंने ग्रुप्स में इनवाइट कर दिया, काइंडली ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें और काम शुरू करें।
अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सबको आज की एक्टिविटीज में मजा आया। सब लोग आ गए वापस? जी सर। आज की एक्टिविटीज में मजा आया या मुश्किल हुई? सही है सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा आप जो आंसर्स है ना मिस्टर भाई, आप हो आई थिंक दूसरी साइड से जो भी भाई थे, वो सर आंसर्स मैं अभी शेयर कर दूंगा, काइंडली आप लोग चेक कर लें और बता दें अगर किसी का आंसर सही या गलत है तो फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। एक टीम की तरफ से मिसबा भाई, तो दूसरे कौन थे? अनीस, सर। अनीस भाई सर, ठीक हो गया। तो मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा क्या आंसर लिखा है आप लोगों ने और क्यों लिखा है, वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है? तो पहली एक्टिविटी ये वाली थी, ये वाली, ठीक है। इम्पेशन मैंने लिखा है 15,000 इम्पेशन, आप लोगों ने क्या लिखा है इसके? दूसरे भाई बता दें। मिस्टर भाई चले गए? नहीं सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ से आपने लिखे थे ना सर? जी जी सर। आप दूसरी तरफ से आंसर्स पहली एक्टिविटी किसने लिखे थे? मैंने लिखे थे सर। अच्छा, इम्पेशन 15,000 लिखे थे? एक मिनट सर बताता हूँ सर, इम्प्रेशन हमारे पास थे 15,000 थे। ठीक है, रीच क्या थी आप दोनों की बता दें जल्दी? 7,500। ठीक है, क्लिक कैसे? 600। आपके भी? जी सर। ओके, लीड्स 60। क्लिक टू डेट सर, सीटीआर ये मैंने 0.04 लिखे, लेकिन परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया था, तो ये मल्टीप्लाई होके 4% बन रहा है। 4% यहाँ पे भी 4% है सर। चलो शाबाश अनिस भाई, वो गलती से में आ गई है ना? जी जी बिल्कुल सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अल्लाह भला करे, आपका सीपीसी क्या लिखा आप लोगों ने? 2.5 सर। गुड हो गया। अच्छा ये चीज लिखना भी लाजमी है। अच्छा मैंने अक्सर लोगों को देखा वो ये चीज नहीं लिख रहे। हमने नहीं लिखी सर, ये चीज बताती है कि आप। हाँ जी ठीक है, ठीक है सर। आप जिस भी कंट्री में कह रहे हो वो बताना होता है कि मैं ये कह रहा हूँ ये इस तरह हो रहा है, ठीक है, बाकी गुड है। अच्छा सीपीएम क्या लिखा आप लोगों ने? 100। ओके, फ्रीक्वेंसी 2 आ रहा है मेरे पास। 2 आ रही है। अनीश भाई आपके पास क्या आई है? 2 आ रही है। 2। अच्छा और सीएसी क्या है आप दोस्तों का? 500 है सर। चलो गुड है। ये भी लिखा है सब ने, ईजीपी बॉय कस्टमर नहीं लिखा सर, अभी लिखा 500 लिखा। गुड हो गया। अच्छा चलो अगली पे आ जाओ यार, अगली जो क्या कहते हैं एक्टिविटी थी जी, खोली सब दोस्तों ने? जी सर। जी अच्छा जी सर। अच्छा एड वन की कैलकुलेशंस में यूनिक क्लिक्स क्या लिखे हैं बाय रीच, क्या लिखे हैं परसेंटेज आपने यहां पे? 2400 डिवाइड बाय 240,000, इसका 0. मैंने तो परसेंटेज में नहीं किया, 0.0 आ रहा है इसका परसेंटेज निकाल। चलो ठीक हो गया, सही है। वो अनीस भाई आपने सर कौन से वाले में यूनिक क्लिक सर? ये वही लास्ट में जो हम कर रहे थे सर। हां जी बिल्कुल सर, वो 1% हमने निकाला। जी जी वही वाला। क्या लिखा आपने? 1% दूसरे का लिंक क्लिक हमने सर 0.5 लिखा था, वो कर वही टाइम खत्म हो गया फिर इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। चलो तो नेक्स्ट टाइम जल्दी कर लेना, गलती समय में आ गई ऐसे आप लोगों को? जी सर। जी सर गुड, सही है। मिस्टर भाई आप भी बताएं आपने क्या लिखा था? दूसरे का सर या पहले का? दूसरे का। क्या चीज सर? यूनिक क्लिक्स। जी लिंक क्लिक्स बाय यूनिक क्लिक्स, बताता हूँ सर। इसका सर
पहले का जो है मेरे पास आ रहा है 0.5 और दूसरे का 0.25। ओके ओके अच्छा, और लीड्स क्या आ रही हैं आपके पास, लीड्स बाय लिंक क्लिक्स? गाइस ये क्या आ रहा है जल्दी से बता दें। हमने तो नहीं किया ये चीज, हमने ऊपर वाले किए थे। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा गाइस ये सब जब आप कैलकुलेट कर लिए फिर आप लोगों ने आंसर्स लिखे होंगे, आंसर्स मुझे बता दें पहले। अनीस भाई आप बताएं सर, मैंने ऐड इमेज किसकी ज्यादा अच्छी है सर? ऐड वन की। क्यों सर? वहां पे जो रीच है ना वो बहुत ज्यादा है, और वो शायद उसने पिक्चर अच्छा लगाया होगा जो रीच है, तो इंप्रेशन से हमने, सॉरी इंप्रेशन से हमने लगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐड कॉपी किसकी अच्छी है? ऐड हेड का सर ये ऐड टू की। ओके और ज्यादा अच्छा लिखा किसका है? ऐड वन की सर। ऐड क्वालिटी फ्रीड्स किसकी ज्यादा है? ऐड टू की सर। आपने ऐड टू लिखा है? ऐड टू सर लिखा है जी। अच्छा और सीएसी क्या कैलकुलेट किया? ऐड वन का क्या था? ऐड वन का 1000 आ रहा है और ऐड टू का 1500। गुड हो गया। और ज्यादा अच्छा कौन सी ऐड ने परफॉर्म किया है सर? ऐड वन ने सर। क्यों सर? ऐड वन हैव परफॉर्म बेटर बिकॉज़ सीएसी ऑफ ऐड वन इज 33% लेस देन ऐड टू। एक ये पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि ऐड वन गॉट मोर इन सेल्स विद सेम बजट एज कंपेयर टू ऐड टू। गुड हो गया, गुड जॉब। अच्छा गाइस आप लोगों माशाल्लाह इसकी ओवरऑल समझ में आ गई है, आप लोग एक खुद से भी इस चीज को एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हो, ऐसे ही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज की क्लास ना हम इसके साथ खत्म करते हैं, अगर आने वाले सेशंस में ना हम इससे भी आगे मजीद चीजों को क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है? तो अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज मुझे बता दें, फिर एक दो रिमार्क से हो रहे हैं बता दूं, फिर मैं क्लास का क्लोज करता हूं। सर रिकॉर्डिंग तो आप भेज देंगे साथ में, जो स्लाइड पढ़ाई है सर ये भी भेज देनी है, इनका लिंक भी भेज देना। सर डन हो गया, डन हो गया, मैं ये भी भेज दूंगा सर आपको। सर एक और बात डिस्कस करनी थी एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से। सर ये फेसबुक पे हम दो किस्म के चलाते हैं ना, मुझे किसी ने बताया उसने क्वेश्चन किया था कि एक ऑटोमेटेड होता है और एक मैनुअल होता है। तो मैनुअल में तो हम खुद से बनाते कि किस बंदे को होना चाहिए, किस तक ये रीच होना चाहिए एड हमारा, तो उनको हम पे करते हैं उनके लिहाज से, ठीक है सर। दूसरा जो फेसबुक खुद चलाता है या इंस्टाग्राम चलाता है तो वो ऑटोमेटेड चलाते हैं कि मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर्स हो उन तक ये पहुंचाते हैं, लेकिन वो पैसे इनका बहुत ज्यादा ले रहे हैं बजाय के जो मैनुअल है उनके लिहाज से ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं। तो सर आप क्या करते कहते हैं हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं अच्छा। कि वो हमारे लिए पैसे भी ज्यादा ले लेकिन हम उन पे ट्रस्ट कर सकते कि हाँ वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपके जो दोनों बातें ना, दोनों बातों के लिए मैं पहले आंसर कर दूं। एक आपने बात जो की है ना उसमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है। फेसबुक पे दो किस्म की होती है एड टाइप्स, एक होती है बूस्ट करना, अपने कंटेंट को बूस्ट करते हो, और दूसरा होता है एड कैंपेन्स या एड रन करना, ठीक है? जो बूस्ट करना ना काफी ज्यादा ईजी है, आप आराम से मोबाइल से भी कर सकते हैं और बहुत ही क्या कहते हैं यूजर फ्रेंडली है, कोई भी बंदा बूस्ट कर सकता है, ठीक है? आप उसे वैल्यू बताते हो, आप उसे पैसे देते हो, आप बताते हो किसे टारगेट करना है और कौन से वाला कंटेंट है जिसे आपने बूस्ट करना है, वो उस वाले कंटेंट को ज्यादा लोगों तक दिखा देगा। ऑन द अदर हैंड जब आप एड कैंपेन मैनेजर से जाके एड रन करते हो तो उसमें काफी ज्यादा चीजें जिन्हें आपको कैटर करना पड़ता है, बट उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज्यादा होते हैं आपके पास। अब आपकी बात यह है कि कौन से वाला ऑप्शन सही है और सिक्योर कौन सा है और किस पे ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं। तो ट्रस्ट आप किसी पे भी नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट आपने अपनी ऑडियंस पे अपने काम पे करना है सिर्फ।
कि दोनों ने क्या काम करना, उन्हें आपने जो चीज बनाई है ना वो चीज उन्होंने आगे जाकर दिखा देनी है, दोनों का काम बस इतना ही है। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक जो है ज्यादा अच्छे दोस्तों को दिखाएगा, एक जो है कम अच्छों को दिखाएगा, दोनों ने सेम तरीके से टारगेटिंग करनी है, टारगेटिंग भी सेम होनी है, ऑडियंस भी सेम होनी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, द ओनली डिफरेंस वुड बी द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट यू गाइस विल बी प्रोवाइडिंग इन योर एड। ये बात समझ में आ रही है भाई आपको? जी जी सर। सर ये एड वन सर जो पहला वाला होता है ना, मतलब मैनुअली, उसमें हम उनको बजट सेट करते हैं कि ये हमारे पास जितने पैसे हैं इनके लिहाज से आप एड चला, और जो ऑटोमेटेड होता है ना उनको हम अकाउंट देते हैं कि इन अकाउंट से अपने पैसे निकाल जितना आप कर सकते हैं, तो उस लिहाज से फिर क्या कहते हैं? नहीं वो इस तरह नहीं होता, वो जो आप ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात कर रहे हैं वो एड प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे मेरा एड शो होगा। अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं ना तो फेसबुक फिर सब पे ट्राई करता है, और जहाँ से उसको रिजल्ट, फेसबुक एल्गोरिदम को रिजल्ट अच्छे आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो फिर वहीं पे आपके मैक्सिमम बजट को यूटिलाइज करता है। और मैनुअल में ये होता है कि आप फेसबुक के और प्रोडक्ट्स लाइक इंस्टाग्राम हो गई और इनके और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस और फेसबुक सर्च रिजल्ट्स, वहाँ पे आप प्लेस नहीं कराते, आप सिर्फ न्यूज़ फीड में प्लेस कराते हैं, तो वो मैनुअल प्लेसिंग है ऐड की। अच्छा वकाई भाई, वेरी वेल पुट, बट मैं इसके पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया, ये प्लेसमेंट में ऑटोमेशन मैनुअल होता है, बट अब एक और फीचर भी फेसबुक ने ऐड किया है, आप कार्ड अपना लगा दो और फिर कार्ड जब लगा दोगे ना तो अपने आप वो एड्स कैंपेन रन कर दिया करेंगे, बूस्ट कैंपेन में आपके कंटेंट अपने आप बूस्ट कर दिया करेंगे वो। ये उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया फीचर। हाँ जी, बट इसका अब मैं समझ गया उनका क्वेश्चन क्या है। ब्रदर आपके क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूँ तो पाकिस्तान के अंदर ना मैं इसे नहीं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स जो होते हैं वो गरीब होते हैं, दिमागी गरीब होते हैं, पैसे उनके पास चाहे करोड़ों हों बट वो दिमागी तौर पर गरीब होते हैं। 100 रुपया 1000 रुपया भी आगे पीछे लगा जिसका फायदा ना हुआ तो उसने आपका गेबान पकड़ लेना और कहना ये पैसे क्यों जाया किए तूने मेरे, ये बात समझ रहे हो? हमारे जो क्लाइंट्स हैं इंतहाई मनी कॉन्शियस होते हैं, वो अगर 100 रुपया भी लगे तो उन्हें 100 रुपये में के बदले में 1000 रुपये की सेल भी चाहिए। तो इस तरह के क्लाइंट्स से जब आप काम कर रहे हो ना तो ऑटोमेशन में आप जा ही नहीं सकते, आपको मैनुअली करना पड़ेगा और मैनुअल करके उसका रिजल्ट भी शो करना पड़ेगा। हाँ ना सर, ये दिखाना होते हैं, खुद के लिए तो हम कर सकते लेकिन तो उसका ये है कि अगर आपका क्लाइंट बाहर का है, यूके कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, तो वो लोग तो मैनेज कर लेंगे, वो अफोर्ड भी कर लेंगे, आप उस पर थोड़ा सा कॉस्ट लगा दो और ऑटो बूस्ट पे लगा दो, उस बजट के अंदर बूस्ट करता देगा और बाकी कैंपेन आप साथ सेट करते दो जो आपके टाइम बाय टाइम आएगा, उससे क्या ये होगा पेज की ओवरऑल जो इंगेजमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनिकली भी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी आपकी, और मैंने इसका अच्छा फायदा होता है। बट उसी बात को लेते हुए अगर पाकिस्तान में ही काम करोगे तो कामयाब नहीं होगा ये मेथड आपका। सही सर, ये एक चीज ऐड कर लो यहाँ पे, मैं एक दोस्त के साथ कर रहा था ना ये एडवर्टाइजमेंट, मैं उनके साथ जा रहा था ना जगह पे, तो वो लोगों से काम जो जितने बिजनेस हैं उन लोगों से ये काम ले रहा था, फिर जाके जब हम पैसों के पीछे जाते थे तो वो लोग कह रहे थे कि यार आप लोगों ने कहा था कि हमारी रीच इतनी पहुंचेगी, हमारे तो लाइक अभी 50 को भी नहीं पहुंचे, 100 आपने तो कहा कि केस में होंगे ये लोग, और फिर जो जिससे 15-20 हज़ार लेने थे उसने हाफ भी उस तरह दिए कि मतलब ये हाफ पैसे और ये भी मैं एहसान करूँ कि आप लोग दे रहे से आप लाइक नहीं हो। यार पाकिस्तानी क्लाइंट्स को अगर लाइक्स चाहिए ना तो उनको फिर मतलब नहीं बोलना चाहिए लेकिन उनके साथ वही काम करना चाहिए, चूना लगाओ फिर इन्हें, इनको सिर्फ लाइक्स से मकसद है उस और किसी चीज से नहीं है, उनको ना एंगेजमेंट का पता है ना पेज को एक्टिव रखने का पता है, बस कहते हैं लाइक्स होने चाहिए भाई। सर आप सबको यह है कि आप गोरों को पकड़े, बस अगर हो सकते हैं तो गोरों को पकड़े। ऐसे वो ये होती है कि ये लोग नहीं समझ रहे आपकी बात, ठीक है ये जितने भी बिजनेसमैन जिनके पास हम जाते हैं आप लोगों को पता होगा ना पेशावर में, स्पेशल नहीं बात कर रहा, तो ये पेशावर वाले जितने भी है ना इनके पास जब हम सबसे पहले ऐड के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए गए थे वो लोग पहले तो समझ नहीं रहे थे, फिर जाके हमने उनको जो है ना कहा कि मतलब आपके ऊपर इतना रश हो जाएगा, मतलब ये जो है ना
टोन को हम इतना ऊपर नीचे की एडवर्टाइजमेंट, तो ये चीज होती है ना अपने लोगों को, फिर मार्केटिंग भी करनी होती है। तो इसमें एक और चीज भी है, ये लोग फिर कंपेयर करते हैं कि ये न्यूज वाले चैनल्स नहीं है, जिस तरह उर्दू पॉइंट हो गया या इस तरह के वो बाकी जो चटपटी खबरें देते हैं, ये फिर उससे अपने बिजनेस को कंपेयर करते हैं कि यार वो देखो उनके इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतनी इंगेजमेंट है, उससे फिर कंपेयर करते हैं। भाई आप एक चीज बेच रहे हो और वो मसाला बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार पे ये जो है ना समझ रहे कि हमें आप दे, फिर जाके हम इतने वो होते, मेरे दोस्त को फिर कहा कि यार ये क्या कर रहे हो आप इतने, उसी टाइम लोगों को बता रहे हो, ये तो पठान लोग हैं यहाँ पे, वो दोस्त पंजाबी था ना, मैंने कहा कि आप लोगों को इतना कह रहे हो, क्या कहता है वो कह रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इतना ज्यादा उसने बताया ना कि यहाँ के लोगों को फिर याद होता है, फिर जाके वो जब हम होटल से निकलते थे, मैंने कहा यार आपने इतना बताया था इन लोगों को, लेकिन इतना आपने करना भी है, जब हम एक दो वीक बाद चक्कर लगा रहे थे तो उन लोगों ने इतने जो है ना वो डांट से पड़ती थी कि वैसे हो गया था कि यार तुमने जो किया था उसमें आपने एक चीज भी नहीं की। वो कह रहे कि हमारे कस्टमर उतने ही है, और ऊपर से आपने हम हमसे जो है 7,000-5,000 रुपए भी दिए। मोहसिन सर मेरे क्वेश्चन है। जी जी हुक्म हुक्म। सर जब हम किसी लेट सपोज हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि हमारे लिए कंपेन इस तरह चल रहा हो सोशल मीडिया पे, तो उनसे हम जो पैसे लेते हैं तो वो तो उनकी कंपेन पे हम लगाते हैं लेट सपोज, तो हम अपने चार्जेस किस तरह वो डिफाइन करते हैं कि हम उनको कितना चार्ज करेंगे? अच्छा ओके, तो बेसिकली मार्केट में ना एड कैंपेन्स के चार्जिंग के दो सेटअप्स हैं, एक तो है परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट, द सेकंड मेथड इज फिक्स्ड अमाउंट। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फिक्स अमाउंट जो होता है ना परसेंटेज, उसमें आप उसके साथ डील कर लेते हो कि आप जितने पैसों की एड लगाओगे ना उसके ऊपर 30% या 40% या 20% ना सरचार्ज मैं आपसे लूंगा। मिसाल के तौर पे अगर वो एड रन करता है 10,000 की, मैंने उससे 40% का लगाया हुआ है, तो 4,000 रुपया वो मुझे देगा, उसके ऊपर दे या उसके अंदर से दे वो उसके ऊपर है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी ये हो गया परसेंटेज वाला। दूसरा होता है फिक्स्ड अमाउंट, अगर एक बंदे ने लाखों रुपए की एड कैंपेन लगानी है या कई लाखों की लगानी है तो परसेंटेज भी अक्सर काम नहीं करेगा, वो कहेगा तो ये महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं आपको ना मंथली 20,000 रुपया दूंगा सिर्फ सिर्फ एड लगाने का। सही है, एड आपने लगानी है बनानी है वगैरह वगैरह जो भी है, आप वो पैसे जो फिक्स है वो फिक्स वैसे लोगे और बाकी के पैसे जो है आप उसी के कार्ड से एड पे मनी लगा दोगे। तो इन 20,000 में जो है लेट सपोज जो हमें मिल रहे हैं फिक्स्ड, तो इसमें हम सारा एड का कंटेंट भी तैयार करेंगे और जो उसके ग्राफिक्स हैं इमेजेस हैं वो डील के ऊपर है ना, आप कैसे डील करते हो, क्लाइंट कैसा है। मैंने लाखों का भी एक क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, मैंने हजारों वाले क्लाइंट के साथ काम भी किया हुआ है, दोनों का काम करने का तरीका अलहदा होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलहदा होती हैं, तो आपने क्लाइंट को देखना, उसका मुंह देखना, जैसा मुंह उस तक छिपे मानी है। ठीक है सर। सर हम जितने ये चीज है ना, अगर किसी कंपनी का किसने लेना है एडवर्टाइजमेंट का जितना काम है ना, तो उनके लिए सर हम एड बनवा भी रहे पहले, ठीक है सर, उनका फेसबुक पेज भी चलाना है सारा, ठीक है, और उसके ऊपर जो जितने बूस्ट के कुछ करना है वो भी करने, तीनों, तो सर तीनों एक ही बंदा कर सकते हैं फिर इस तरह ये सारी चीज? या कर सकते हैं एज ए एजेंसी भी कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, बट पैसे अच्छे चार्ज करने चाहिए आपको फिर, क्योंकि आप तीन काम कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर का काम भी कर रहे हो, आप कंटेंट राइटर का काम भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया मैनेजर का काम भी कर रहे हो, आप मीडिया बॉय का काम भी कर रहे हो, आप तीन चार जॉब्स कर रहे हो, तो आप उससे पैसे भी अच्छे ले लेना फिर उसके बदले में। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि हमें जैक ऑफ ऑल वो क्या कहते हैं ट्रेड्स नहीं बनना चाहिए, काम डेलीगेट करना चाहिए, ताकि अगर आप सब कुछ खुद ही करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसी में फंसे रहेंगे। अच्छा यार मेरी बात सुनो, ये ना मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बात अच्छी की है, बट पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस के अंदर ना ये बात लागू नहीं होती, मैं आपको इसकी वजह भी देता हूँ। द थिंग इज कि अगर एक बंदा फ्रीलांसर या क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हो, या अगर आपने अभी टीम भी हायर करनी है, आप न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर दो, अगर आप हर चीज़ के लिए अलग अलग बंदा हायर करोगे ना, तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे,
और इनके जो क्लाइंट्स हैं इन्होंने आपको मंथली देना 20,000-25,000 रुपये, इतने की एक बंदे की तनख्वाह नहीं आपकी होनी है। तो इसका हल ये है कि डेलीगेट ना करो, बल्कि इसे वो कह दो आप आर्टिफिशली ऑटोमेट कर दो। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब इंस्टेड के मैं पूरी पूरी कॉपी राइटिंग करूँ, मैं चैट जीपी पे जाऊँगा, जीपीटी पे, और वहाँ पे जाकर मैं कहूँगा मुझे यह एड कॉपी लिख दो। इंस्टेड के मैं पोस्ट खुद बनाऊँ, मैं एक टूल है डिज़ाइन पेडीसी, उस पर जाऊँगा, उसे कहूँगा मुझे डिज़ाइन बना दो, मुझे डिज़ाइन बना के दे देगा फ्री में। अगर मैंने ऐड लगानी है तो ऐड लगाने के लिए मैं ऐड की कोई टूल AI निकाल लूँगा। अब ये चीज़ें आप इसके लिए कि आप इंसानों को हायर करो, बेहतर है कि आप अपना कोई रोबोट बना लो या कोई बना बनाया रोबोट यूज़ कर लो उसी काम के लिए, सस्ता भी पड़ेगा मुफीद भी देगा आपके लिए। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, मतलब AI इज फ्यूचर, हमें नहीं पता मुझे। Perfect. मतलब हमें ये सीखना आगे है कि AI को किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, the time is कि आप AI को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो, इससे पहले कि AI आपको इस्तेमाल करना सीख ले। समझो इस बात को? जी जी। ये भाई डूंगी बात है, गहरी, पंजाबी में डूंगी कहते हैं, गहरी बात है, समझना गहराई में जाके कभी। AI जो है ना, इट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एज वी नो इट, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे जितना अच्छा यूटिलाइज कर लो। एक प्लस पॉइंट ये कि पाकिस्तानी जो मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ है। अनपढ़ से मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बट वो पढ़े लिखे जाहिल हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो है, टेंटिलाइजिंग है। तो इस चीज़ को आप जितना अपने लिए फ़ायदे में उठा लोगे ना, उतना अच्छा होगा। समझो क्या है भाई? जी जी। अच्छा सर, कौन सा का डिजाइन पेडीसी? डिजाइनिंग के लिए? जी जी। यहाँ कंटेंट राइटिंग के लिए? डिजाइनिंग के लिए, दोनों के लिए सर। दोनों के लिए पेडीसी अच्छा। स्पेलिंग क्या है? PREDICI आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, क्या कहते हैं AI टूल फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके। ओके बड़ी जी। अगर आपको फिर भी ना मिले मुझे बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके जी सर, ठीक है सर। ओके परफेक्ट परफेक्ट गाइस, कोई और क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा गाइस, एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज के आप में से किसी दोस्त का अगर कोई प्रोजेक्ट रह रहा हो, कोई इशू आ रहा हो प्रोजेक्ट में, तो मुझे ईमेल ड्रॉप कर दें। अगर से 1-to-1 सेशन चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 किसी के लिहाज से भी है, तो हम 1-to-1 सेशन के अंदर उस मसले को हल कर लेंगे। ये तो ये अनाउंसमेंट करनी थी। द सेकेंड अनाउंसमेंट इज कि आप लोगों से अगर रिव्यूज़ की बात की जाए, तो काइंडली रिव्यूज़ दे दिया करें लिख के, उससे मुझे पता चल जाता है कि क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ताकि मैं उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँगा। ठीक है? ओके सर। जी सर, जरूर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल कीजिएगा, वालों को सलाम प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।